नमस्कार साथियों, कल हम बात कर रहे थे कि भाई दुबई की फ्लाइटें 6 जुलाई से आगे नहीं बढ़ेंगी। आप सबको पता है कि बैन नहीं बढ़ेगा क्योंकि इंडिया के आंकड़े बहुत कम आ रहे हैं, अच्छी बात है ये। और आज आपको पता है अपडेट आ गई थी 19 जून को, जी हाँ, कि भाई दुबई ने फ्लाइट से प्रतिबंध हटा दिया गया है। जी हाँ, हालांकि ये सेमीफाइनल इसको बोल सकते हैं, फाइनल नहीं है, हालांकि फाइनल है, टिकट फ्लाइटें ओपन हो गई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है 23 जून से। जी हाँ, अब इसके हालांकि काफ़ी टाइम से फ्लाइटें बंद थी, कोरोना की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, एकदम सख्ता के साथ। सबसे ज़्यादा जाने वाले कौन लोग थे? दुबई जाने वाले थे इंडिया के लोग, जी हाँ। और सबसे ज़्यादा कमेंट भी फ्लाइटें कब चालू होंगी, भाई फ्लाइटें चालू हो गई, क्या अभी जाना पसंद करोगे आप दुबई में? 23 जून से फ्लाइटें स्टार्ट हो रही हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं, 6 नियम सरकार ने बनाए हैं, वो आपको जान लेना चाहिए। दुबई इंडिया के साथ में, हालांकि पाकिस्तान की फ़्लाइटें अभी बैन हैं, नहीं हुई हैं, इंडिया की फ़्लाइटें अभी स्टार्ट हो गई हैं। बता दूं, भारत, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, 3 देशों की फ़्लाइटें अभी चालू हुई हैं। जी हाँ, ये अच्छी बात है इंडियन लोगों के लिए, भाई कैसे भी करके आप दुबई जा सकते हैं अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है या आपके बिज़नेस वहाँ पे डिले पड़े हैं, कुछ भी इमरजेंसी में आप जा सकते हैं या कोई भी जा सकता है। लेकिन उसके पहले 6 कंडीशन है वो आप जान लीजिए, उनके बाद में आप जाने की सोचें, उनके बाद में मैं बताऊँगा कि आपको जाना चाहिए किन लोगों को और किन लोगों को अभी वेट करना चाहिए। पूरा देखिए वीडियो, अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, भाई फेसबुक वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वीज़ा से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है भाई, कोविड वैक्सीन होना जरूरी है, दोनों डोज, कोविशील्ड आपके पास आपके लगी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 28 दिन के गैप का। जी हाँ, दोनों डोज कोविशील्ड की, इसके अलावा कोई अभी WHO द्वारा मान्यता नहीं है तो वो आपको दिक्कत आ सकती है एयरपोर्ट के ऊपर। और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 28 दिन के गैप का, तो वो आपके पास लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सुन लीजिए भाई, RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट 48 आवर्स यानी 2 दिन पहले का, आप जाते हैं उससे पहले एक दिन छोड़ के आपके पास 48 घंटे तक का वैलिड RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। जी हाँ, कि इसमें UAE के लोग हैं जो इन देशों से, जैसे भारत, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका से UAE के लोग जा रहे हैं, उनको छूट है। अब आगे बात कर लेते हैं भाई कि जो RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट है वो QR कोड वाला होना चाहिए, उसके ऊपर एक QR कोड आता है, जैसे गूगल पे का, पेटीएम का, सबका QR कोड होता है, वो आपका स्कैन करके चेक कर लेंगे। उसमें क्या ज़्यादा माथापच्ची नहीं होती है, उसमें पूरी डिटेल होती है कि कौन से इन्होंने वहाँ पे ICMR रजिस्टर्ड है, कौन सी डायग्नोस्टिक से वहाँ पे आपने वो कोरोना का टेस्ट करवाया, वरना तो आप हर कहीं से करवा लोगे वो वैलिड नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, चौथे नंबर पे अगर बात करें तो बता दूँ, 4 घंटे पहले रैपिड जो PCR टेस्ट होता है उसमें सेव करना होगा। अब ये बात थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है कि 4 घंटे पहले, अब 4 घंटे पहले कहाँ होगा ये? तो दुबई एयरपोर्ट पे तो आपका दोबारा से टेस्ट होगा, नो डाउट। इंडियन एयरपोर्ट पे भी क्या आपका दोबारा से सिंपल लिया जाएगा? अब क्या है, इस पॉइंट को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा जाने से पहले। जी हाँ, इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज है। अगर 5 नंबर पॉइंट पे हम बात करें तो दुबई एयरपोर्ट पर फिर से आपको PCR टेस्ट, आपको RT-PCR टेस्ट आपको करवाना होगा। जी अब वो तो सिंपल सी बात है, पहले ही हो रहा था, आप इंडिया से लेके जाते थे एयरपोर्ट पे, आपको दुबई एयरपोर्ट, UAE एयरपोर्ट पे दोबारा आपका टेस्ट लिया जाता था, फिर आपको जाने दिया जाता था। जी हाँ, अब इसमें छठा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई जब तक आपका जो आप दुबई एयरपोर्ट पहुंचोगे वहाँ पे आपका दोबारा कोरोना का जो टेस्ट होगा उसका जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको होटल में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। जी हाँ, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते किसी भी होटल में, ज़रूरी नहीं होता कि सरकार जो बोले, आपको किसी भी होटल में सस्ता महंगा जैसे आपकी बजट है उसके हिसाब से आपको होटल में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। हो सकता है आपकी जो कोरोना की रिपोर्ट एयरपोर्ट पे जो दुबई में करवाते हैं वो सेम डे आ जाए, या हो सकता है 2 दिन लग जाए, 1 दिन लग जाए, मान के चलिए 1 से 2 दिन आपको रहना पड़ेगा होटल दुबई में, होटल में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, आप डायरेक्ट अपने गंतव्य के स्थान की तरफ नहीं जा सकते, ये एक आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। जी हाँ, हालांकि UAE के जो लोग हैं, लोकल जो इमिराती हैं, उनको छूट है, और डिप्लोमेटी जो लोग होते हैं, जो राजनयिक मान लो, उनको छूट दी गई है, उनको क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, 6 पॉइंट ऐसे हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए भाई, ये ठीक है 23 जून से फ्लाइट चालू हैं, इमरजेंसी है वो लोग जा सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए मैं बता दूं जो इमरजेंसी नहीं है लेकिन वो UAE दुबई जाना चाहते हैं। जी हाँ,
वीज़ा उनके पास, या तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो आप जाइए, या फिर आपको लगता है कि अभी वीज़ा लेंगे फिर टिकट। देखिए इसमें दो नुकसान होंगे, अभी आप जाओगे तो फ्लाइटों की टिकट आपको महंगी मिलेगी ये मान के चलिए, अगर आप जुलाई में जाओगे तो सस्ती टिकट मिलेगी, जो पहले 8-10 हज़ार में मिल रही थी वो अभी मेरे हिसाब से 15-20 हज़ार में, अगर अभी आप तुरंत में जाओगे तो 15-20 हज़ार में टिकट आएगी, ठीक है। और दूसरी बात, आपको ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, दूसरी बात होटल में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, तो आप ये मान के चलिए अगर 2 दिन भी आप रहते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 500-600 दिरहम आपके 2 दिन में खर्च हो जाएंगे होटल में, तो आप समझ सकते हैं 10-12 हज़ार वो जुड़ गए, 10-12 हज़ार टिकट में एक्स्ट्रा जुड़ गए, 25-30 हज़ार का आपको एक्स्ट्रा लॉस हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आप जाते हैं वहाँ पे पैसों की जड़ी बरसा दोगे, हाँ बिजनेसमैन हैं जिनको इमरजेंसी जाना है, कोई काम है मेडिकल से रिलेटेड वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सोचते हैं कि हमें बजट में जाना है, बहुत कम पैसे हैं हमारे पास में, अपने को एडजस्टमेंट करके जाना है, तो भाई वो लोग 15-20 दिन या जुलाई लास्ट तक जाएँ तो और आपके लिए बेटर हो सकता है। जी हाँ, और जिन्होंने जो डोज नहीं ली है, कोविड का जो टीका नहीं लगवाया, वैक्सीनेशन नहीं हुआ, भाई वो वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि अभी आप करवाओगे तो दूसरी वैक्सीन आपको 28 दिन बाद 1 महीने बाद लगेगी, तो 1 महीने तो आप वैसे ही नहीं जा सकते, और मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन करवा रखी है, तो पहले वैक्सीनेशन करवाएं, जुलाई लास्ट तक आपका हो जाएगा तो आप आराम से जा सकते हैं। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।